अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आज अंतिम चरणों में चल रहा है। 2023 के दिसंबर मास में अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो चुका होगा। भाइयों बहनों, यह भारत का राष्ट्र मंदिर है जिसमें समाज के हर एक तबके को भरपूर सम्मान मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। ENI ने सीधे निर्माण स्थल से ग्राउंड रिपोर्ट दी, जिसमें परिसर और राम मंदिर की पहली झलक देखने को मिल रही है। राम मंदिर का निर्माण तेजी से पूरा करने में मंदिर निर्माण में लगी कार्यदायी संस्थाएं जुटी हुई हैं। कोशिश हो रही है कि दिसंबर 2023 से पहले ही मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर के निर्माण को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि राम मंदिर निर्माण की प्रगति संतोषजनक है, निर्माण कार्य तय समय में पूरा हो जाएगा। गर्भगृह के आसपास चारों ओर दीवारें तैयार हो गई हैं। मंदिर की भाषा में इन दीवारों को मंडोवर कहा गया है। ये दीवार भी पत्थरों की ऊंचाई के अनुसार एक साथ ऊपर चल रही हैं। गर्भगृह के चारों ओर की दीवार के बाहर परिक्रमा मार्ग, वो भी बराबर साथ साथ ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है। तो गर्भगृह में खंभों के चारों ओर दीवार के चारों ओर परिक्रमा मार्ग, तीनों साइमल्टेनियस ऊपर जा रहे हैं। आपके ध्यान में आ गया होगा कि गर्भगृह में सफेद पत्थर लगा है, वो मार्बल है, मकराना का व्हाइट मार्बल है, और मैं उसको कहूंगा क्लास 1 बेस्ट क्वालिटी का मार्बल है। गर्भगृह की दीवार भी मार्बल की होंगी, खंभे भी मार्बल के होंगे और फ्लोर फर्श भी मार्बल का ही होगा। गर्भगृह को छोड़कर गर्भगृह के अतिरिक्त 5 मंडप और होंगे। तीन मंडप प्रवेश द्वार से गर्भगृह की ओर, और 2 मंडप अगल बगल, वहां भी आप गए हैं, अगल बगल बाहर निकला हुआ है वो स्थान। 2 भुजाएं निकली हुई हैं उत्तर दक्षिण में, ये 2 मंडप है, उन्हें कीर्तन मंडप कहा गया है। मंडपों के नाम अलग 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 रखे गए हैं पहचान करने के लिए। तो ग्राउंड फ्लोर तक का ही विचार हो अगर, तो काम में बहुत संतोषजनक प्रगति है। हमारे कारीगर, सुपरवाइजर, इंजीनियर्स तीनों ही बड़े विश्वास में हैं कि हम 2023 में ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट कर लेंगे। अब जो मुहूर्त निकल कर आएगा 20-21 दिसंबर के बाद मकर संक्रांति तक, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। वो 1 जनवरी हो सकती है, वो 14 जनवरी हो सकती है, 2-4 दिन दिसंबर में भी हो सकता है।